हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय केवी। सो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ गोल्डन रूल्स ऑफ एरर करेक्शन पार्ट 5। ओके, ये मेरा पार्ट 5 है और इससे भी पहले मेरा चारों पार्ट है जो कि गोल्डन रूल्स ऑफ एरर करेक्शन में बना हुआ है, तो वो आप ज़रूर देखिए क्योंकि ये पार्ट 5 है। तो उन चारों वीडियो का मतलब लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एरर करेक्शन के गोल्डन रूल्स और ये पार्ट 5 है और यही लास्ट पार्ट है और इसमें मैं 81st से लेकर 100th रूल तक डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो रूल है, 81st रूल है, वो है कुछ जो वर्ड्स है उनके पहले जो है ना, उनके पहले मतलब प्रीपोजिशंस नहीं बैठते। जैसे कि प्रीपोजिशंस लाइक ऑन, इन, एट आर नॉट यूज्ड बिफोर द वर्ड्स लाइक टुडे, टुमोरो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे। मतलब ये जो वर्ड्स है ना, टुडे, टुमोरो, यस्टरडे, फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, इनके पहले कोई प्रीपोजिशन मतलब इस तरह के प्रीपोजिशन मतलब ऑन, इन, एट ये नहीं बैठता है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो है ही विल गो देयर ऑन टुमोरो। तो यहाँ पर जो वर्ड है टुमोरो, ये आपको पहले दिख रहा है कि यहाँ पर टुमोरो है, तो टुमोरो से पहले क्या बैठा है, यहाँ पर ऑन बैठा हुआ है, जो कि मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि जो रूल है तो उसमें ये क्या है, ये एक इनकरेक्ट है, ये गलत है। तो इसीलिए क्या होगा, वहाँ पर ऑन नहीं बैठेगा। तो द करेक्ट सेंटेंस विल बी He will go there tomorrow. सिर्फ tomorrow बैठेगा, उससे पहले on नहीं बैठेगा। Okay? तो चलिए देखते हैं next rule. Next rule क्या है? Next rule है 82. No preposition is used before the word home because at home is a phrase which bears a different meaning. Okay? मतलब कोई भी preposition नहीं बैठेगा, specially at नहीं बैठ सकता। कोई मतलब जो home, ये जो वर्ड है इससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन खास करके एट नहीं बैठ सकता, क्योंकि जो एट होम है ना, एट होम जो है ये एक वर्ड है और ये एक पर्टिकुलर फ्रेज है एट होम। तो ये अगर होम से पहले अगर एट प्रीपोजिशन बैठेगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो एक अलग फ्रेज है। तो इज अ फ्रेज विच बियर्स अ डिफरेंट मीनिंग। तो इसीलिए एट होम के पहले, होम जो वर्ड है उससे पहले हम कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, तो इनकरेक्ट सेंटेंस आप देख लीजिए, ब्रिंग ए टीवी सेट एट होम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वर्ड है एट और उससे पहले जो वर्ड है होम और उससे पहले जो वर्ड है एट, ठीक है, तो एट होम है ये यहाँ पर यूज हो रहा है, तो ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो करेक्ट सेंटेंस विच इज द करेक्ट सेंटेंस, द करेक्ट सेंटेंस विल बी ब्रिंग ए टीवी सेट एट द हाउस। अगर हमें एट यूज करना है तो हमें द हाउस यूज करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब घर के अंदर टीवी सेट लाना है हमें, या फिर फॉर द हाउस यूज कर सकते हैं, ठीक है, एट की जगह हम फॉर भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो एट की जगह हम फॉर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं, क्लियर, आई थिंक दिस रूल इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रूल में, नंबर 83 क्या है? 83 है आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब्स लाइक डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिजम्बल, रिडिक्यूल एक्सेट्रा। ये जो सारे वर्ब्स है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है और उसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज होता है। वी डायरेक्टली यूज द ऑब्जेक्ट एंड नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब। ये जो सारे वर्ब्स है ना, ये जो सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स है, जो कि ये डिस्कस या फिर उसके बाद डिस्क्राइब है या फिर रीच बोलिए या फिर ऑर्डर या फिर टेल या फिर डिमांड या फिर अटैक या फिर resemble या फिर ridicule, ठीक है, ये जो सारे वर्ड्स है ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है और इन सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में, ओके, आफ्टर दिस ट्रांजिटिव वर्ब्स वी कैन नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचुरल इन दिस सॉरी द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम। यहाँ पर ज़रा मिस्टेक है, यहाँ पर जो आई है ये नहीं होगा, ठीक है। तो द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम। ओके, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो वर्ड है डिस्क्राइब और उसके बाद हमने यूज किया है अबाउट,
ओके तो मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि कोई भी प्रीपोजिशन इनसाइड ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में यूज़ नहीं होगा। ओके तो अबाउट जब यूज़ हो रहा है तो ये क्या है, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। ओके देन व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम। तो द पोएट डिस्क्राइब, यहाँ पर सिर्फ डिस्क्राइब्स बैठेगा, डिस्क्राइब्स अबाउट नहीं बैठेगा। ओके सो दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। ओके क्लियर गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रूल में। ओके सो नंबर 84, से सजेस्ट प्रपोज स्पीक रिप्लाई एक्सप्लेन टॉक लिसन राइट। ये जो सारे वर्ब्स है इज फॉलोड बाय टू प्रीपोजिशन, इन इसके बाद हमेशा टू यूज होगा इफ देयर इज ए पर्सन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट में पर्सन यूज हो रहा है, ठीक है, चलिए और भी क्लियरली बताता हूँ कि ये जो वर्ड्स है ना, से सजेस्ट प्रपोज स्पीक रिप्लाई एक्सप्लेन टॉक लिसन राइट। ओके ये जो सारे वर्ड्स है उसके बाद क्या यूज होगा, उसके बाद हमें यूज करना है टू प्रीपोजिशन, टू प्रीपोजिशन यूज करना है, लेकिन हमेशा नहीं, तभी यूज करना है जबकि ना ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट एक पर्सन हो, मतलब कोई अगर लिविंग थिंग्स, एक पर्सन अगर ऑब्जेक्ट हो तभी हम ये यूज कर सकते हैं, मतलब तभी हम इन सारे वर्ड्स के बाद में आफ्टर दिस वर्ड्स टू यूज कर सकते हैं। ओके चलिए एग्जांपल देख लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। इनकरेक्ट सेंटेंस जो है, ही डिड नॉट रिप्लाई मी, तो यहाँ पर देखिए रिप्लाई यूज हो रहा है, ये रॉन्ग है क्योंकि ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में एक पर्सन है जो कि है मी, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पर करेक्ट, सो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। ओके तो करेक्ट सेंटेंस जो है, करेक्ट सेंटेंस देख लीजिए, करेक्ट सेंटेंस जो है He did not reply to me. तो reply बैठा है, उसके बाद हमने क्या use किया, उसके बाद हमने to use किया है क्योंकि क्योंकि me जो है एक person है और ये object है, इसीलिए यही होगा correct sentence, he did not reply to me. Okay? Now the next example, incorrect sentence. He did not write to a letter. Okay? अब देख लीजिए यहाँ पर राइट बैठा है, यहाँ पर to भी उसके बाद हमने add किया है, लेकिन हमने ये जो है ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसका कारण ये है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर है, और ए लेटर एक लेटर कोई भी पर्सन नहीं है, कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं है, ठीक है, तो लेटर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए जो वर्ब है उसके बाद हमें यहाँ पर टू यूज नहीं करना है। ओके देन व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही डिड नॉट राइट ए लेटर, यहाँ पर राइट बैठेगा उसके बाद टू नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पर लेटर है और लेटर एक पर्सन नहीं है, लेटर एक ऑब्जेक्ट है। ओके तो चलिए मूव करते हैं अगले रूल्स पे, अगले रूल पे तो यहाँ पर देख लीजिए नंबर 85, व्हेन ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी इट शुड बी इन द नॉमिनेटिव केस। ओके चलिए क्लियर से मतलब आपको समझाता हूँ, जब भी कोई प्रोनाउन यूज होगा ना एक सेंटेंस में, और अगर उस सेंटेंस में क्या मतलब क्या दिखाया जाएगा, टू बी मतलब ऐसा कुछ जो अगर होगा या फिर हो सकता है या फिर अगर होता तो, ऐसे कोई मीनिंग आएगा, मतलब मैं अगर पंछी होता तो उड़ जाता, तो अगर ऐसे कोई अगर सेंस आता है ना एक सेंटेंस में कि टू बी मतलब होता तो तब क्या होगा, तब उस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा, ठीक है, वो प्रोनाउन नहीं होगा उसमें, वो नॉमिनेटिव केस में होगा। कैसे, चलिए देखते हैं, जो इनकरेक्ट सेंटेंस है, इफ आई वेर हिम आई वुड नॉट डू इट, तो यहाँ पर जो है ना ये हिम है और ये क्या है, ये नॉमिनेटिव केस नहीं है, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेर है, इफ आई वेर है अगर मैं वो होता, आई वुड नॉट डू इट मैं ये नहीं करता, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो यूज हो रहा है ना, तो आई वेर यूज हो रहा है, यहाँ पर टू बी समझाने के लिए आई वेर यूज होता है और उसके बाद हिम यूज हो रहा है, हिम नॉमिनेटिव केस नहीं है, तो इसीलिए ये जो है ये रॉन्ग सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। देन व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, द करेक्ट सेंटेंस इज इफ आई वेर ही आई वुड नॉट डू इट, इफ आई वेर ही, यहाँ पर ही आपको पता है ही नॉमिनेटिव कॉज है, तो इसीलिए ही नॉमिनेटिव केस है, तो इसीलिए यहाँ पर यूज होगा इफ आई वेर ही आई वुड नॉट डू इट। ओके क्लियर, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रूल में नंबर 86। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन इट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। ओके तो चलिए देखते हैं,
अगर प्रोनाउन यूज हो ना, अगर प्रोनाउन यूज हो कोई भी सेंटेंस में, अगर प्रोनाउन यूज हो, ऑब्जेक्ट अगर वर्ब और प्रीपोजिशन, अगर वर्ब या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के प्रोनाउन यूज हो, तो वो किस में होगा? वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट सेंटेंस जो है, लेट यू एंड आई डू इट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई जो है ये रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है ये? क्योंकि ये जो प्रोनाउन है, मतलब ये जो वर्ब है ना यहाँ पर डू, तो इसका एक सब्जेक्ट के तौर पे ये प्रोनाउन यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख सकते, मतलब सॉरी, अगर लेट यू एंड आई डू इट, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अक्सर तो अगर ये यहाँ पर इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो आई नहीं होगा ना, आई तो सब्जेक्टिव केस में होता है, तो इसीलिए क्या होगा, द करेक्ट सेंटेंस विल बी लेट यू एंड मी डू इट। तो यहाँ पर जो मी है, मी आपको पता है कि मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसीलिए ये करेक्ट सेंटेंस होगा। दिस प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड ई आई सॉरी दिस प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यू और आई यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो यू और आईज या आई यूज हो रहा है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब्स। ओके, आई, ये जो आर है वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट है आई, तो यहाँ पर इसलिए आई नहीं होगा, क्योंकि आई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, तो ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस होगा ये, दिस प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी। तो यहाँ पर जो मी यूज हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसीलिए ये करेक्ट सेंटेंस होगा। चलिए नंबर 87। 87 में क्या है? 87 में है इम्पैटिक प्रोनाउंस कैन नॉट स्टैंड अलोन एज सब्जेक्ट। मतलब इम्पैटिक प्रोनाउंस जो है ना, इम्पैटिक प्रोनाउंस कौन सा होता है? जो सेल्फ प्रोनाउन होता है, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ्स, ऐसे जो होता है, ये होता है इम्पैटिक प्रोनाउन। तो इम्पैटिक प्रोनाउन यहाँ पर आप देख लीजिए, जो सेंटेंस एग्जाम्पल में है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, हिमसेल्फ डिड इट। तो ये जो मतलब अगर मैं सिर्फ एक कॉमन प्रोनाउन अगर सोच देता कि ही, ठीक है ही, अगर यहाँ पर ही यूज होता ना, तो ही डिड इट, तो ये करेक्ट सेंटेंस होता। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर हिमसेल्फ यूज हो रहा है, हिमसेल्फ एक इम्पैटिक प्रोनाउन है, तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इम्पैटिक प्रोनाउन खुद से सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो सकता। तो देन व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस? द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही हिमसेल्फ डिड इट। तो यहाँ पर एक मतलब खुद से एक प्रोनाउन लाना होगा, उसके बाद इम्पैटिक प्रोनाउन लाना होगा, उसके बाद जो बाकी सेंटेंस वो होगा, तो यही होगा करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा ही हिमसेल्फ डिड इट। हिमसेल्फ कभी भी अकेला नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये इम्पैटिक प्रोनाउन है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रूल में, नंबर 88। द इनडेफिनिट प्रोनाउन वन शुड बी यूज थ्रू आउट इफ यूज एट ऑल। अगर सब्जेक्ट के तौर में किसी भी सेंटेंस में हमने वन यूज़ किया है, तो उसका जो प्रोनाउन होगा ना, इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा। तो अगर एक बार अगर वन यूज़ किया गया है एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस में, तो उसके बाद हर एक टाइम में उस प्रोनाउन से जुड़े हुए जो दूसरे प्रोनाउन से, वो भी वन ही होगा। ठीक है, तो वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हिज ओन सक्सेस। तो यहाँ पर हीज हो गया, तो यहाँ पर एक दूसरा प्रोनाउन आ गया, वन और हीज दोनों अलग अलग प्रोनाउन आ गया, तो अगर हीज आएगा यहाँ पर, तो वो रॉन्ग सेंटेंस होगा, वो करेक्ट नहीं होगा, वो इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। देन व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस? द करेक्ट सेंटेंस इज वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सब्जेक्ट सक्सेस, सॉरी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर वंस आया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट में वन है, तो इसीलिए ये करेक्ट सेंटेंस हुआ। अगर यहाँ पर अगर इस सब्जेक्ट में अगर ही होता ना, इस सेंटेंस में अगर ही होता, ही मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हिज ओन सक्सेस, तो ये करेक्ट सेंटेंस होता। ओके, लेकिन जब यहाँ पर वन है, तो अगर वन अगर सब्जेक्ट में एक बार यूज हो गया, तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा अगर प्रोनाउन हो, तो वो भी वन ही होगा। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, तो यही होगा करेक्ट सेंटेंस। तो चलिए मूव करते हैं अगले रूल में, नंबर 89। आइदर और नाइदर इज यूज ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन थिंग्स। एनी, नो वन एंड नन इज यूज इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। अगर कोई सेंटेंस में, अगर सब्जेक्ट में, अगर दोनों के बीच अगर
मतलब दो चीज़ के बीच या फिर दो इंसान के बीच, मतलब टू पर्सन और टू थिंग, अगर इनके बीच अगर कंपेयर होना तो आइदर बैठता है या फिर नाइदर बैठता है, ठीक है, मतलब आइदर और नाइदर नॉट यूज होता है, ठीक है, या फिर आइदर आइदर या फिर नाइदर सिंगली यूज होता है। तो आइदर और नाइदर तभी यूज होगा जब दो दोनों के बीच में कंपेयर हो, ठीक है, और अगर एनी, नो वन और नन बैठना है तो उसके लिए दो से ज़्यादा होना होगा, दो से ज़्यादा होना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इनकरेक्ट, एनी वन ऑफ दिस टू रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने रोड्स है, टू रोड्स, ओके, तो दोनों के, तो दो के बीच में कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पर कभी भी हम एनी वन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये रॉन्ग होगा, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसीलिए। सो व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, आइदर ऑफ टू ऑफ दिस टू रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, ठीक है, आइदर क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टू रोड्स है, दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है, इसीलिए आइदर यूज हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लीड्स यूज हो रहा है, ठीक है, लीड्स, यहाँ पर जो वर्ब है उसके साथ एस भी ऐड हुआ है, ये कब होता है, जबकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तभी होता है, यह आपने मेरे टेंस वाले वीडियो में ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पर आइदर अगर यूज़ हो ना, तो आइदर यूज होने से अगर दो सब्जेक्ट के बीच में कंपेयर हो रहा है तो वो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लीड्स यूज हुआ है। तो आई थिंक दिस रूल इज़ क्लियर टू यू कि आइदर तभी यूज होता है जब दोनों के बीच में कंपेयर होते हैं। अब देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, नाइदर ऑफ दिस थ्री बॉयज डिड हिज होमवर्क, यहाँ पर कितने बॉयज दिख रहे हैं, थ्री बॉयज, ओके, तो दो से ज़्यादा है ना, ये तो ज़्यादा है दो से, तो इसीलिए हम यहाँ पर कभी भी नाइदर या फिर आइदर यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या होगा, यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड आएगा, तो ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ओके। तो देन व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस विल बी नो वन ऑफ दिस थ्री बॉयज डिड हिज होमवर्क, ओके, तो नो वन होगा यहाँ पर करेक्ट यूज़, क्योंकि यहाँ पर दो से ज़्यादा बॉयज के बीच यानी थ्री बॉयज के बीच में कंपेयर किया गया है। अगर दो के बीच में कंपेयर हो तो आइदर नाइदर, अगर दो से ज़्यादा के बीच में कंपेयर हो तो एनी या फिर नो वन या फिर नन, ठीक है, क्लियर। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रूल में, ईच अदर इज यूज इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन और थिंग्स, वन अनदर इज यूज स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू, यहाँ पर भी एक और है, ईच अदर यूज होता है तब भी जब टू पर्सन के बीच में होता है, मतलब ईच अदर तभी यूज होगा जब दोनों पर्सन के बीच में स्पीकिंग होगा, ओके, अगर मतलब दोनों पर्सन के बारे में अगर बोला जाएगा तभी ईच अदर यूज होगा। वन अनदर कब यूज होगा, वन अनदर तभी यूज होगा जब दो से ज़्यादा हो, ठीक है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, दस हो सकता है, सौ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो वन अनदर इज यूज स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मोर देन टू, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल इनकरेक्ट सेंटेंस, द टू ब्रदर्स लव वन अनदर, यहाँ पर कितने ब्रदर्स है, यहाँ पर टू ब्रदर्स है, ठीक है, तो यहाँ पर वन अनदर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि रूल्स में आपको दिख रहा है कि वन अनदर तभी यूज होता है जब दो से ज़्यादा हो, तो ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, द करेक्ट सेंटेंस विल बी द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, तो ईच अदर यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दो भाई के बात हो रहा है, टू ब्रदर्स के बारे में बताया जा रहा है, ओके, क्लियर। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रूल में, हाँ, इसके बीच में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा था कि हर वेडनेसडे को एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के ऊपर मैं कम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो दूंगा और हर संडे को एक बेसिक इंग्लिश के ऊपर, लेकिन ये मैंने मतलब कुछ अगले तो मतलब पिछले दो तीन हफ्तों से मैं कुछ वीडियो दे नहीं पाया, मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, मेरे कुछ एग्जाम्स वगैरह थे, इसीलिए तो आई एम सॉरी फॉर दैट। इसके बाद में मैं रेगुलर बेसिस में भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो कीप अप विद माय चैनल इंग्लिश क्लासेस इंग्लिश क्लासेस बाय के भी, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। जो न्यू व्यूअर्स है उनके लिए मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए और जो उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो या फिर कोई भी नया चीज़ अपलोड करूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर किया, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता यूट्यूब में कोई भी चैनल में सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं।
रूल नंबर 91, ए नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग ए जीरंड शुड बी पुट इन पॉजिटिव केस। ओके, अगर नाउन और प्रोनाउन हो तो, और अगर वो अगर जीरंड को या फिर पार्टिसिपल को, अगर जीरंड को या फिर पार्टिसिपल को मतलब गवर्न कर रहा है या फिर मॉडिफाई कर रहा है या फिर उसे इंडिकेट कर रहा है, तो वो पॉजिटिव केस में होगा। ठीक है, तो क्या होगा, कैसे होगा, देखिए इनकर सेंटेंस, प्लीज़ एक्सक्यूज मी बींग लेट। ओके, तो यहाँ पर जो बींग है ये जीरंड है, या फिर ये एक्चुअली ये जीरंड नहीं है, ये पार्टिसिपल है, ये जीरंड नहीं है, ये पार्टिसिपल है एक्चुअली। ठीक है, ये पार्टिसिपल है। ये एक्चुअली पार्टिसिपल है, तो ये जीरान नहीं है, ये पार्टिसिपल है। तो अगर पार्टिसिपल को कोई नाउन या प्रोनाउन गवर्न कर रहा है तो वो पॉजिटिव केस में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मी है ना, मी एक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस नहीं है ये। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो अगर तो इसीलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, द करेक्ट सेंटेंस इज प्लीज एक्सक्यूज माई बींग लेट। यहाँ पर माई ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बींग जो है एक जीरंड नहीं है, एक पार्टिसिपल है, इसीलिए इसके बाद में माई यूज हो रहा है, इसके पहले माई यूज हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्लियर, चलिए मूव करते हैं मेरे नेक्स्ट रूल में। ए प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स एंसिडेंट इन पर्सन नंबर एंड जेंडर। प्रोनाउन, एक प्रोनाउन अगर यूज होना तो वो जिसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, इस एंसिडेंट मतलब उससे पहले जो है, जिसे ये मॉडिफाइड कर रहा है, उसके साथ पर्सन में, नंबर में और फिर जेंडर में, तीनों चीज़ों में मैच होना चाहिए, इन तीनों चीज़ों में मतलब मैच होना चाहिए या फिर इसके साथ एग्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ईच ऑफ दिस बॉयज़ हैज़ डन देयर होमवर्क। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईच यूज़ हो रहा है ना, तो ईच कब यूज होता है, अगर ईच यूज होता है ना तो वो सिंगुलर हो जाता है, प्लूरल नहीं रहता है, वो सिंगुलर हो जाता है। तो अगर दिस बॉयस, ये प्लूरल है, दिस बॉयस प्लूरल है, लेकिन उसके बाद अगर ईच यूज हो ना तो वो सिंगुलर हो जाता है, तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी भी देयर नहीं यूज होता है, क्योंकि देयर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज होता है, ये जो प्रोनाउन है, तो इसीलिए ये रॉन्ग है। इसके मतलब ये जो देयर है, इसके साथ, इसके पैर मतलब ये देयर का जो एंसिडेंट एंसिडेंट है, मतलब ईच ऑफ दिस बॉयज, इसके साथ ये प्रोनाउन मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो इसके लिए क्या करेक्ट सेंटेंस होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा ईच ऑफ दिस बॉयज हैज़ डन हीज होमवर्क। फिर से बताता हूँ कि हीज क्यों होगा, क्योंकि हीज होगा क्योंकि ईच ऑफ दिस बॉयज ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ईच वर्ड यूज हो रहा है, अगर ईच वर्ड यूज होता है तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाता है, तो इसीलिए जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होगा, तो इसीलिए यहाँ पर देयर नहीं हीज यूज होगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल जो है, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी इन प्लूरल। ये बहुत ही सिंपल है, अगर दो या फिर दो से ज्यादा, टू या फिर मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय द वर्ड एंड, अगर दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स जो है वो एंड से जुड़ा हुआ होता है, तो उसका जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल में होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं जो इनकरेक्ट सेंटेंस है। बोथ राजू एंड रवि हैव डन हिज होमवर्क। यहाँ पर आपको दो प्लूरल, दो नाउन दिख रहा है सब्जेक्ट के तौर में, और ये ज्वाइन किससे हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है एंड से। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो हीज होगा, हीज सिंगुलर प्रोनाउन है, ये तो प्लूरल होना चाहिए, तो ये जो है ये गलत है। ठीक है, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। देन व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, द करेक्ट सेंटेंस इज बोथ राजू एंड रवि हैव डन देयर होमवर्क। अब देयर एक प्लूरल प्रोनाउन है, और ये इसीलिए यूज होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है। ओके, क्लियर, दिस रूल इज वेरी इजी। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रूल में। When two or more singular nouns joined by and refer to the same person or thing, a pronoun used for them must be in the singular. चलिए क्लियरली आपको समझाता हूँ कि अगर दो, टू और मोर, दो या फिर दो से ज़्यादा nouns, singular nouns joined हो and से, ठीक है, and से अगर joined हो
लेकिन अगर वो सेम पर्सन को रिफर कर रहा है, ठीक है, मतलब दोनों जो नाउन यूज हो रहा है ना, दोनों एक ही आदमी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि सोचिए विराट कोहली एंड द कैप्टन ऑफ विराट कोहली एंड द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, ठीक है। अगर ऐसे ही पता चल, अगर ऐसे ही बताया जाए तो क्या होगा, कितने आदमी है ये, मतलब विराट कोहली को ही तो समझा रहे हैं ना, विराट कोहली को ही बता रहे हैं। तो इसके लिए अगर इस तरह का कोई केस हो तो वहाँ पर हम क्या होगा, देन द प्रोनाउन मस्ट बी इन सिंगुलर, जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर में यूज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज नॉट नेग्लिजेंट इन देयर ड्यूटी, ओके। तो यहाँ पर जो कलेक्टर है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, डीएम है, ये दोनों एक ही आदमी है। ये आपको कैसे पता चलता है, ये आपको इससे पता चलता है क्योंकि इज यूज हो रहा है, ठीक है, इज नॉट नेग्लिजेंट इन। उसके बाद अगर इज यूज हो रहा है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, उसके बाद हम देयर तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि देयर एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसीलिए ये रॉन्ग होगा, ओके। सो व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, द करेक्ट सेंटेंस विल बी द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज नॉट नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटी। यहाँ पर हिज होगा, क्यों होगा, क्योंकि हिज एक ही आदमी को समझा रहा है, मतलब हिज से हम एक ही सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं जो कि है कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी है। तो इस तरह के केस में हमें सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है, ओके, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रूल में। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है। अगर दो या फिर उससे ज़्यादा सिंगुलर नाउन, ओके, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय किन किन वर्ड से, और नॉर, आइदर और या फिर नाइदर नॉर, अगर इनसे अगर दो से ज़्यादा या फिर दो सिंगुलर नाउन्स अगर जॉइन हो रहे हो तो उसके लिए जो प्रोनाउन बैठेगा वो सिंगुलर में होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जो इनकरेक्ट सेंटेंस है, नाइदर रवि नॉर राजू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या यूज़ हो रहा है, नाइदर हो रहा है, नॉर हो रहा है। यहाँ पर दो सब्जेक्ट से, दो नाउन से, दो सिंगुलर नाउन से, रवि और राजू, ठीक है। तो नाइदर रवि नॉर राजू हैज डन देयर होमवर्क। तो अगर यहाँ पर हैज़ यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो उसके बाद हम देयर नहीं यूज़ कर सकते। अगर देयर यूज़ करेंगे तो वो गलत होगा क्योंकि देयर एक प्लूरल प्रोनाउन है। देन व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, द करेक्ट सेंटेंस इज नाइदर रवि नॉर राजू हैज़ डन हिज होमवर्क, ओके। तो इसीलिए हिज होगा क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये नाइदर नॉर यूज होने से सिंगुलर हो जा रहा है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी नाउन हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, उसके साथ अगर नाइदर नॉर यूज होता है तो वो अगर दो सब्जेक्ट हो वो भी सिंगुलर हो जाता है, प्लूरल नहीं रहता है, ये आपको याद रखना है, ओके, क्लियर। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रूल में। व्हेन टू और मोर सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन कम टुगेदर, द प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन सिंगुलर कम्स फर्स्ट, द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर comes last and the pronoun of the third person singular na comes between, okay। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर दो, okay, when two, दो या फिर more singular pronoun, अगर उससे ज़्यादा singular pronoun अगर use हो different person के लिए, of different persons, okay, person अगर different हो और दो से ज़्यादा अगर singular pronoun use हो, ठीक है, singular pronoun use हो तो डिफरेंट पर्सन के, तो इसके लिए क्या होगा, एक सीक्वेंस होता है इन पर्सन को सजाने के लिए, ठीक है। तो प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन फर्स्ट आएगा, सेकंड पर्सन का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन का मतलब है यू, या फिर हाँ यू ही है सेकंड पर्सन। कम्स फर्स्ट, द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है, आई होता है, उसके बाद क्या होता है, ये आई जो है ये लास्ट में आता है, और कम्स लास्ट एंड द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही या फिर सी, ओके, ही या फिर सी जो है ये कम्स इन बिटवीन, मतलब दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो पहले आ गया है आई, ठीक है, तो आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन है आई, तो इन्हें तो लास्ट में आना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद यूज हो रहा है यू, यू तो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को पहले आना चाहिए, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद आ रहा है ही, ही तो थर्ड पर्सन है,
और इसे तो बीच में आना चाहिए, लेकिन ये भी गलत आ रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है. इन व्हाट विल द करेक्ट सेंटेंस, यू ही एंड आई मस्ट वॉक टुगेदर. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यू जो है सेकेंड पर्सन है, फर्स्ट में आ रहा है, उसके बाद आई जो है फर्स्ट पर्सन है, लास्ट में आ रहा है, और उसके बाद ही जो है थर्ड पर्सन है, सेकेंड में आ रहा है या फिर बीच में आ रहा है. तो इसीलिए ये सेंटेंस है ये करेक्ट सेंटेंस है. चलिए नेक्स्ट रूल में देखते हैं कि क्या है. 97, व्हेन टू और मोर प्लूरल नाउन्स ऑफ डिफरेंट पर्सन कम टुगेदर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल कम्स फर्स्ट, देन सेकेंड पर्सन प्लूरल एंड लास्ट ऑफ द लास्ट ऑफ देन थर्ड पर्सन प्लूरल. ओके, तो चलिए देखते हैं कि अगर दो, टू और मोर, उससे ज़्यादा अगर प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है, इससे पहले वाला जो 96 में रूल्स था वो सिंगुलर प्रोनाउन था, ठीक है, और यहाँ पर जो रूल है ये प्लूरल प्रोनाउन है. तो अगर ये दो, मतलब अगर तीन अगर प्लूरल प्रोनाउन एक साथ आया तो इसके लिए क्या होगा, उसके लिए पहले जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल या फिर वी पहले बैठेगा, उसके बाद देन द सेकेंड पर्सन प्लूरल मतलब यू उसके बाद बैठेगा, और उसके बाद जो थर्ड पर्सन प्लूरल है दे वो लास्ट में बैठेगा. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनकरेक्ट सेंटेंस जो है, यू दे एंड वी. तो यू जो है ये सेकेंड पर्सन है, ये फर्स्ट में बैठ गया तो ये रॉन्ग है. दे जो है ये भी थर्ड पर्सन है जो कि सेकेंड में बैठ गया, ये रॉन्ग है. और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है और ये लास्ट में बैठ गया, ये भी रॉन्ग है. तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है. उसके बाद जो करेक्ट सेंटेंस है, वो आप देख लेते हैं कि वी यू एंड दे. यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन बिल्कुल ऑर्डर में बैठा हुआ है, तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि प्लूरल पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के लिए ये रूल है, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए पिछले रूल है. तो ये जो रूल्स हैं ना इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ये अच्छी तरह से आपको जानना है. ठीक है, और जो सेंटेंस में अगर एरर करेक्शन है आए तो उनमें ठीक से ये अप्लाई करना है. ओके, चलिए नेक्स्ट. 98, द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज इन सब्जेक्ट केस व्हेयरएज हुम इज इन ऑब्जेक्टिव केस. ओके, देयरफॉर हु देयर मस्ट नॉट बी अ फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस. ओके, और अदरवाइज व्हेन हुम इज यूज्ड इन द सेंटेंस एंड देयर इज मोर फाइनाइट वर्ब्स देन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस देन हुम शुड बी चेंज्ड इनटू हु. चलिए क्लियर करते हैं कि जो हु है ना, हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है पहली बात, उसके बाद जो हुम है वो ऑब्जेक्टिव केस है. ओके, ये आपको याद रखना होगा. देयरफॉर फॉर हु देयर मस्ट बी ए फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस, मतलब ये आपको ये जो सेंटेंस है ये अच्छी तरह से देखना है. ठीक है, मतलब अगर किसी सेंटेंस में हु आ गया तो हु के लिए आपको एक फाइनाइट वर्ब वहाँ पर होना चाहिए इस सेंटेंस में. ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए कि अदरवाइज When whom अगर object हो, whom object is used in the sub sentence, there is more finite verbs than the number of subject. अगर subject से ज़्यादा finite verb हो, यानी subject अगर एक हो और finite verb अगर दो हो, तो वहाँ पर हम whom object की तरह use कर सकते हैं. Okay? और the number of sentence, then whom should be changed into who. सॉरी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर फाइनाइट वर्ब अगर सेंटेंस अगर जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में उससे अगर फाइनाइट वर्ब का नंबर ज़्यादा हो, मतलब सब्जेक्ट एक और फाइनाइट वर्ब हो सकेगा दो हो, तो उसकी वजह उस तब क्या होता है, तब जो हुम है ना ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन तब ये क्या होता है, हुम जो है ये सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और ये हु बन जाता है. ओके, क्लियर. मतलब हु आपको पता है कि हु सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है. ओके, और तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए अगर कोई सब्जेक्ट में अगर हुम यूज़ हो, और अगर अगर सब्जेक्ट में हुम यूज़ हो तो वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट में अगर जो मतलब सॉरी अगर सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब्स हो तो तब जो हुम होता है वो हु में कन्वर्ट हो जाता है.
ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। डॉक्टर हुम केम हेयर वॉज राम्स ब्रदर, या फिर आप देख सकते हैं कि दोनों फाइनाइट वर्ब कितने हैं, एक है केम, एक फाइनाइट वर्ब है, और दूसरा है वॉज। ओके, या फिर दो फाइनाइट वर्ब्स है लेकिन सब्जेक्ट जो है ये एक है, तो क्या होगा? अब ये जो हुम है ये तो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर हम यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि हुम जो है वो तो हु में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस? द डॉक्टर हु केम हेयर वॉज रम्स ब्रदर। तो अगर जो हु हो रहा है ना, ये हु इस डॉक्टर को मतलब रिफर कर रहा है, द डॉक्टर हु, और जो सब्जेक्ट है ये जो फाइनाइट वर्ब है ये हु के लिए है, और ये जो फाइनल वर्ब वाज ये डॉक्टर के लिए है। ओके, तो एक बार और देख लीजिए, मतलब डॉक्टर के ये जो हु है ये डॉक्टर को रिफर कर रहा है पहली बार, लेकिन ये जो केम है ना, ये केम ये एक फाइनल वर्ब है, फाइनल वर्ब नंबर वन, तो ये क्या होता है, ये जो वर्ब है ये हु के लिए है, मतलब ये जो है ये हु के लिए है। यहाँ पर जो फाइनल वर्ब टू है वाज, ये किसके लिए है, ये है डॉक्टर के लिए, डॉक्टर के लिए ये वाज है। तो ये जो जॉइनिंग है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स जॉइनिंग का एक पार्ट है, जो जिसके मैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो कीप अप विद माई चैनल। ओके, तभी आपको पता चलेगा जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तब। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल जो है, विथ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव ओनली नन all etc. as relative pronoun we use that and not which or who. With superlative degree adjective, मतलब superlative degree adjective हो या फिर only हो या फिर none हो या फिर all हो, इन सारे चीज़ों के बाद हम relative pronoun जो use करते हैं तब हम which नहीं use कर सकते, तब हम use करना पड़ता है that. Okay, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑल है, जो कि मैंने पहले रूल में बता चुका हूँ। तो ऑल के बाद क्या होता है, ऑल के बाद रिलेटिव प्रोनाउन की, रिलेटिव प्रोनाउन में हम विच नहीं यूज़ कर सकते, क्या यूज़ कर देंगे, हमें दैट यूज़ करना है। तो ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस? द करेक्ट सेंटेंस इज ऑल दैट ग्लिटर्स। ओके, तो जो दैट है ये ऑल के बाद बैठ रहा है, ये रूल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल है, तो ऑल के बाद हमें क्या बताना है, हमें क्या मतलब लिखना है, दैट लिखना है। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। तो चलिए देख लेते हैं द फाइनल रूल ऑफ गोल्डन कलर, द फाइनल रूल ऑफ एरर करेक्शन, रूल नंबर 100। आफ्टर लेट इफ ए प्रोनाउन इज यूज्ड, दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस। वेरी सिंपल रूल, इनकरेक्ट सेंटेंस आप देख लीजिए, लेट के बाद अगर कोई प्रोनाउन यूज होता है तो वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, यहाँ पर जो ही है ये सब्जेक्टिव केस में है, तो इसीलिए जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। देन व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस? द करेक्ट सेंटेंस इज लेट हिम गो देयर। यहाँ पर जो ही हिम है ये बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, जो ऑब्जेक्टिव केस है इसीलिए ये करेक्ट सेंटेंस है। सो व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे ख़त्म होते हैं जो सीरीज था मेरा, जो कोर्स था, मतलब एरर करेक्शन के जो 100 रूल्स, वो मेरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई थिंक मैंने सारे जो रूल्स है वो फॉलो किया है, और मुझे लगता है कि ये जो सारे मतलब ये जो पार्ट 5 है, उससे पहले जो 4 पार्ट्स है, ये जो पांचों वीडियो का है, तो ये जो पांचों वीडियो में जो 100 रूल्स मैंने डिस्क्राइब किया है, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एरर करेक्शन के लिए। तो जो नया व्यूअर्स है उन्हें मैं कहूँगा कि आप पहले वो 4 वीडियोस देख लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और उसके बाद ये पांचवा वीडियो देखिए, तो इसके तो आपके लिए ये बेहतर होगा, और आपको समझ आपके समझने में भी आसानी होगी। और जो नए व्यूअर्स है उनको मैं ये भी कहूँगा कि सब्सक्राइब टू दिस चैनल, अपने जो यूट्यूब है उसके उससे पहले तो अपने जो यूट्यूब है उसमें गूगल मतलब जीमेल से साइन इन कीजिए, उसके बाद सब्सक्रिप्शन बटन को हिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बाजू में एक बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कीजिए,
और नोटिफिकेशन बटन को एक्टिव कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको फ़ोन में नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो देख सकते हैं, आपको मिस नहीं, आपका वो मिस नहीं हो। सो यहाँ पर मेरा ख़त्म होता है गोल्डन रूल्स ऑफ एयर कनेक्शन के जो पार्ट्स थे, ये 100 रूल्स मैंने डिस्कस कर लिए। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, कमेंट योर ओपिनियन सजेशन, अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे फेसबुक पेज में भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं मुझे फेसबुक में पर्सनली। फेसबुक पेज का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जो चार वीडियो है पार्ट 1 to 4 उनके भी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके बाद मैं संडे को आऊँगा एक बेसिक इंग्लिश के ऊपर वीडियो लेके। ठीक है, सो कीप अप विद माई चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय KB, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय।